देखो मैंने साइकिल में क्या गैजेट लगाया है। लड्डू सिंह जी अपने बचपन के दोस्त के साथ आ रहे हैं, उन्हें इम्प्रेस करना है। और क्या क्या बताऊं इमरती सिंह, मेरे बिना तो इस शहर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बड़ा मान सम्मान है मेरा यहाँ, मेरा तो बस नाम ही सुनकर क्रिमिनल कांपने लगते हैं। अरे वाह लड्डू, बच्चे तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं। और क्या, तुमने लड्डू सिंह को क्या समझा है? हाँ। अंकल, लड्डू सिंह जी की वजह से ही तो इस शहर में अमन और चैन है, इसीलिए तो हम लड्डू सिंह जी की इतनी इज्जत करते हैं। भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। थैंक यू बच्चों, चलता हूँ। शिवा, ये लड्डू सिंह जी उन्हें इतना इम्प्रेस क्यों कर रहे हैं? अरे उनके बचपन के दोस्त हैं, उनसे मिलने आए हैं, उन्हें इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। करने दो ना, हमें से क्या। दो मिनट रुकना, मैं पाँच मिनट में आया। बेड़ा राम क्या हुआ, तुम्हें कहा था पिटाई के लिए 3-4 नकली गुंडे भेजना मेरे पास, जिससे मैं मार मार के अपने दोस्त को इम्प्रेस करूं। हाँ लड्डू सिंह जी, वो आने वाले हैं, बात हो गई है। ओके ओके, ठीक है बेड़ा राम, बाय। जो कुछ है हमारे हवाले कर दो, डंका का डंका पूरी दुनिया में बचता है। ओहो, पेड़ा राम के भेजे हुए गुंडे आ गए। अब इन्हें धो धो के इमरती सिंह को इम्प्रेस करता हूँ। खबरदार, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं कि चोरी मत कर वरना लड्डू सिंह आ जाएगा, और तुम मेरे सामने यहाँ लूट मार कर रहे हो। अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो लड्डू सिंह जी, सॉरी गाड़ी पंक्चर हो गई तो थोड़ा लेट हो गए। अरे यहाँ मेरी पूरी बॉडी पंक्चर हो रही है और तुम्हें अपनी गाड़ी की पड़ी है। अरे ये क्या, लड्डू सिंह जी की पिटाई? ठीक है शिवा। अरे लड्डू ये क्या हो रहा है, तुम पिट रहे हो? तुम दो गुंडों को पीटते हो? अरे ये पीटेंगे गुंडों को, हाँ? ये? अरे अंकल, लड्डू सिंह जी सबके सामने मारपीट नहीं करते, आप लोगों में अगर हिम्मत है तो इनको उस गोडाउन में ले जाकर पिटाई कीजिए, फिर देखिएगा लड्डू सिंह जी आप सबका क्या हाल करते हैं। अच्छा ये बात है, ये हमारी पिटाई करेंगे। चलो भाई फिर अंदर। अरे रेवा, और क्यों पिटवा रही हो मुझे, यहाँ तो कोई बचा भी लेगा, वहाँ गोडाउन में कौन बचाएगा? मार खाना मुझे।
इतना पिटने के बाद अब डांस क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब तुम्हारी बारी है गुंडे मवाली कहीं के। मैं साइड में आराम से खड़े हो जाता हूँ, जब पूरी तरह पिट जाना तो बताना, ओके? जाओ जाओ पिटने। ए बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर जाकर खेलो, यहाँ इनकी पिटाई होने वाली है। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। क्या लड्डू सिंह ने मारा? क्यों? और फाइट करेगा? बोल 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 करेगा? चल चल अंदर बताता हूँ तुम्हें। क्यों और पिटना है? बोल बोल, पेट नहीं भरा? चलो अंदर करता हूँ तेरी धुलाई। चलो और कोई बचा है क्या? बोलो, और किसी को पिटना है तो आ जाओ। लड्डू, तूने तो कमाल कर दिया, क्या फाइट की है। पर तू बाहर क्यों पिट रहा था? अरे यार, सड़क पर मुझे मारपीट करना अच्छा नहीं लगता, वैसे मैं ज्यादा शो ऑफ नहीं करता ना। सर, आपके रहते ही तो शहर में शांति है, क्या पिटाई की है गुंडों की, वाह। ओके ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, पढ़ाई करो। ओके बाय। एक बच्चा हमें पीट रहा था और जले पे नमक लड्डू सिंह लगा रहा था, हीरो बन रहा था। जाओ उसके दोस्त को पकड़ के लाओ। लड्डू सिंह को अपनी उंगली के इशारे पे नचाऊंगा। लीजिए सर। हेलो लड्डू सिंह, सारे शहर के जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं, उसका सारा माल चोरी करके जहाँ बोलूँ वहाँ पहुँचा देना। है? मैं बताऊंगा कहाँ आना है। hey, मैं फेमस पुलिस इंस्पेक्टर लड्डू सिंह हूँ, मैं करूँगा चोरी। hey, मैं। तो मत करो, फिर तुम्हारा वो दोस्त वो अब हमारी गिरफ्त में है, उसे बचाना है तो ये चोरी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारा ये बचपन का दोस्त। बचाओ बचाओ। ए, ए, हेलो हेलो, मेरे दोस्त को कुछ मत करना प्लीज। हेलो शिवा, जल्दी आओ प्लीज। लड्डू सिंह जी, आप एक बैग लेकर आ जाइए, मैं आपका पीछा करके वहाँ आ जाऊंगा, फिर हम इमरती अंकल को बचा लेंगे। ओके शिवा, थैंक यू, अभी करता हूँ। लड्डू सिंह, क्या हुआ? जी मैं चोरी का माल लेकर आ रहा हूँ। लड्डू सिंह, झूठ मत बोलो, तुमने कहीं चोरी की ही नहीं, मेरे आदमी तुम पर नजर रखे हुए हैं। जाओ ज्वेलरी शॉप लूटो, फिर आना। दोबारा ये नकली बैग लेकर आए तो तुम्हारा दोस्त गया। सेठ, दो घंटे के लिए शॉप में चोरी कर रहा हूँ, फिर सब वापस कर दूंगा। क्या खबरदार लड्डू सिंह जी ने चोरी की तो, मगर आप क्यों चोरी करोगे? ए,
प्लीज प्लीज सेठ जी समझा करो, अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रहा हूँ, बस दो घंटे की तो बात है, अभी दे दो, डाल दो सब जेवर बैग के अंदर। खबरदार लड्डू सिंह, जो मेरे जेवरों को हाथ लगाया। अरे यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, दोस्त को बचाना है, इतना क्यों नहीं समझते? अब सब माल बैग में डालो, डालो। अरे ये क्या हो रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर ही चोरी कर रहा है, अरे अब मैं किसको फोन करूं? फ्रेंड्स हरी अप, हम लोग अगर नीचे से जाएंगे तो वो देख लेंगे, हम ऊपर से जाएंगे। ओके रेडी? ओके। शिवा स्काई तो बिल्कुल क्लियर है, वो लोग तो हमें नीचे से देख सकते हैं। डोंट वरी देवा, मैं अभी इसका उपाय निकालता हूँ। ये क्या है? अरे ये तो वही बच्चे हैं, ये कहां से आ गए? सोना लाए हो? सोना लाया हूँ, अब मेरे दोस्त को छोड़ दो। अब कोई नहीं बचेगा। इमरती डरना मत, मैं आ गया हूँ। लड्डू सिंह तुम आ गए, देखो इन लोगों ने मुझे यहाँ बांध रखा है। इमरती मेरे दोस्त, अभी देखना मैं एक एक का क्या हाल करता हूँ, देखना। हेलो अंकल। बच्चे तुम यहाँ भी आ गए? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। देखा, मेरे दोस्त से पंगा लोगे तो ऐसे ही पिटोगे। अरे ओ भाई, तुम्हारे दोस्त से नहीं पिट रहा हूँ मैं। मेरा दोस्त ही तो पीट रहा है तुम्हें। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ ही तो पढ़ा लिखा है। वो तुम्हारे साथ पढ़ा लिखा है? हाँ हाँ, हमने साथ में भी ये किया है। नहीं ये नहीं हो सकता। सच में वो तुम्हारा दोस्त है? अरे साथ खेले हैं, कबड्डी फुटबॉल खेला है। तुम कबड्डी खेलते थे उसके साथ? ये कैसे हो सकता है? कितनी उम्र है तुम्हारी? 35 साल। ए, सुनो, इसकी उम्र 35 साल है, बचपन में उसके साथ कबड्डी खेलता था वो, धो डालो उसको, बच्चा नहीं है वो। ए, और कितना पिटोगे मेरे दोस्त से?
यार ये कैसे हो सकता है? चलो वो फिर से देखता हूँ। चलो शाबाश लड्डू, छोड़ना नहीं इन गुंडों को। और कोई है? आ जाओ, बताता हूँ, आ जाओ। आ जाओ इमरती, आ जाओ, सबको ठिकाने लगा दिया। वाह लड्डू सिंह, तुम तो बड़े बहादुर हो, सबको औंधा कर दिया। लड्डू सिंह तुम बहुत बहादुर हो, कैसे मारा तुमने इतने आदमियों को? मत पूछो यार, मत पूछो। बता यार, बता कैसे मारा? तुमने इतनी अच्छी फाइट कहाँ से सीखी? कुंग फू करते हो या कराटे? मत पूछ यार, वरना मैं बता दूंगा। मत पूछ। क्या बता दोगे? ये फाइट सब शिवा ने की है, मैंने नहीं। इस शहर में अमन शांति सब शिवा की वजह से ही है। मैं तो सिर्फ फाइट की एक्टिंग ही कर रहा था दोस्त, मैं तो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था। लड्डू सिंह जी, आपने ये साबित कर दिया कि आप एक ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? शिवा ठीक कह रहा है लड्डू सिंह, मैं बहुत खुश हूँ तुम सबसे मिलके।